हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AMD यानी कि एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जिसका डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे आपको एग्जामिनेशन लिया गया था एंड उसके कुछ पोस्ट के रिजल्ट आपके आ भी गए थे और कुछ पोस्ट के आपको सेकंड स्टेज के रिजल्ट अभी पेंडिंग थे। तो उन सभी का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया वेबसाइट पे और साथ ही साथ सभी पोस्ट के इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसका जिस पोस्ट में जो जो चीज़ है तो उसके नेक्स्ट स्टेप के आपको यहाँ पे डेट्स दे दिए गए हैं। सारे पोस्ट को यहाँ पे दिखा दिया गया है। AMD के जितने भी डिफरेंट पोस्ट थे सबका आपको डिफरेंट डिफरेंट था। जैसे कि UDC लेवल के लिए आपको सेकंड स्टेज का रिजल्ट पेंडिंग था, देन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पेंडिंग है, देन ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड यानी कि आपका उसका भी स्किल टेस्ट होना बाकी था, फिर स्किल टेस्ट जो आपको टाइपिंग रहेगा उसका, आपको स्टेनोग्राफर टेस्ट, सारा कुछ जो भी स्किल टेस्ट, इंटरव्यू एंड आपको टाइपिंग वाइपिंग, ड्राइविंग टेस्ट, जितना कुछ था उसका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, साइंटिफिक असिस्टेंट, सारे पोस्ट के आपको दे दिए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास रिजल्ट है जो कि AMD UDC लेवल 2 का है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो चुका है, थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही डिले हो चुका है, क्योंकि ये रिज़ल्ट आपको 14/8 को पोस्ट कर चुका गया है वेबसाइट पे और मैं कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये वीडियो बनाने में डिले हो चुका है। तो आज 24/8 है जो कि ये वीडियो अपलोड होगा 24/8 को। तो 24/8 को आपका UDC लेवल 2 का ऑलरेडी इंटरव्यू है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात उनके लिए नहीं है जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको फ़ोन पे आपको SMS जा चुका है, जो भी उनके रजिस्टर्ड नंबर है AMD के द्वारा वेबसाइट पर लिखा भी गया है, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा नीचे अभी थोड़ी देर में। जितने भी रिजल्ट आए हुए हैं सारे के सारे रिजल्ट में आपको जितने भी पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट हो चाहे आपको जो भी पोस्ट है UDC और स्टेनोग्राफर सारे के लिए, ड्राइविंग के लिए, तो उनको आपको रजिस्टर्ड नंबर पे आपको SMS जा चुका है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। देन आपका जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है ये वीडियो उनके अभी काम आ जाएगा, क्योंकि वो अपना रिजल्ट अपने नाम के साथ देख सकते हैं, क्योंकि सारे के रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिनका एब्सेंट भी है सारे, मतलब आपको यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंसी रखी गई रिजल्ट में UDC लेवल 2 में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। देन इसमें से जिनका सलेक्शन हुआ है, जिनको मैसेज किया है, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको SMS जा चुका है, तो वह आज के अपना इंटरव्यू भी दे चुके हैं, क्योंकि उनका आज इंटरव्यू नहीं, उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो जो भी लोग आ गए हैं, जैसे कि उनका आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका पूरा टोटल 33 पेज का जैसे देख सकते हैं PDF है, टोटल ये 33 पेजेस का आपको रिजल्ट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अपना अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, किसका कितना नंबर आया है, तो ये उन लोगों के अभी काम आ जाएगा। देन नेक्स्ट मैं जो बात करने वाला हूँ, जो भी आपको रिजल्ट दिखाना हो वो आपको नेक्स्ट, अभी जितने भी इंटरव्यूज़ पेंडिंग है जो कि आपको लाइन से अभी लिए जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ्स में, तो आपको वो टेंटेटिव डेट्स दे दिए गए हैं। तो आपको अगर वो एग्ज़ाम होगा सिचुएशन डिपेंडिंग, जैसे कि देख सकते हैं आप अभी कि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोटल यहाँ पे 785 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम आपको दिया गया जो कि UDC लेवल 2 का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर एबसेंट है, उसमें सारे के यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया जो कि UDC लेवल 2 में एग्ज़ाम को आपको एडमिट कार्ड जिसका दिया गया था। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देना मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा आपको। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24/8/2020 जो कि आज है, वीडियो ये आज अपलोड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेन्यू आपको दे दिया गया है हैदराबाद AMD, यानी कि आप यहाँ पे टोटल जो भी आपको यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं आप यहाँ पे, ज़्यादा नहीं 22 स्टूडेंट्स हैं जिनका भी AMD लेवल UDC लेवल 2 में हुआ है सिलेक्शन, उनका आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया गया है, देख सकते हैं लेवल 2 हॉल टिकट नंबर, ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का नाम UDC अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर AMD 1/2019। तो यहाँ पे आपको शेड्यूल कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये फिक्स है जो कि 24/8/2020 यानी कि आज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 14/8 को आपको यहाँ पे दे चुका गया है ये रिजल्ट, तो 14/8 को ये दे चुका गया है आपको, और आपके मोबाइल में यहाँ पे देख सकते हैं SMS विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स, तो आपको यहाँ पे मिल चुका है जिनका भी 22 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनको यहाँ पे मिल चुका है नोटिफिकेशन, तो वह अपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जा चुके हैं। देन आपको जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो अपने मार्क्स देखना चाहते हैं, वो उस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं, सारे के सारे PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे डायरेक्टली, और साथ ही साथ आपको लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट्स का भी, जहाँ आप जाके वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट और PDF और रिजल्ट सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। देन मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट आपको यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर सी मेडिकल जनरल ड्यूटी, इसका आपको डेट ऑफ इंटरव्यू जो कि 27/8/2020 को है, ध्यान दें 27/8/2020 को साइंटिफिक ऑफिसर सी,
साइंटिफिक ऑफिसर सी मेडिकल जनरल ड्यूटी के लिए है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 11 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे भी नीचे लिखा गया नोट पे आपको 14/8/2020 को ही आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आपको लिंक कर दिया गया। तो उनका जिनका सिलेक्शन हुआ उनको रजिस्टर मोबाइल पर SMS जा चुका है, तो उनको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वे 27 तारीख को अपना इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। देन जिनका आपका सिलेक्शन नहीं हुआ वो देख सकते हैं कि जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ वो सारे डिटेल जो देखना चाहते हैं। देन अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिनका अभी कैंडिडेट का, ये दो तो फिक्स है जिनका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने ही वाला है, जो फिक्स है आपको जिनका डाउनलोडिंग के लिए को दे दिया गया था, तो इसमें डिले हो चुका है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से वीडियो में डिले हो गई है। देन अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको स्किल टेस्ट के लिए जो भी है उन सारे के लिए या इंटरव्यू के लिए आपको डेट सभी फिक्स नहीं किए गए हैं, लेकिन बता दिए गए कि वो होंगे नेक्स्ट मंथ ही, तो जिनका भी है वो टेंटेटिव डेट्स है, तो अगर उन डेट्स पे हुआ गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार तो उन्हीं डेट्स पे होगा, मैं आपको दिखा देता हूं सारा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं उन सारे पोस्ट की जिनका आपको डेट्स टेंटेटिव दिया गया, जैसे कि देख सकते हैं आप डेट ऑफ इंटरव्यू देख सकते हैं आप, ऊपर में पोस्ट आपको दे दिया गया साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल, आप देख सकते हैं ये सारा कुछ आपको। देन आप देख सकते हैं वेन्यू आपको यहाँ पे भी वेन्यू सेम ही है, हैदराबाद तेलंगाना, आप देख सकते हैं AMD के आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ इंटरव्यू 1/9/2020, यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स का आपको यहाँ पे अब जिनका मैं आपको दिखाऊंगा PDF, यानी कि जो भी आपको रिजल्ट दे दिए गए हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए या साइंटिफिक आपको जो भी है स्किल टेस्ट के लिए, तो उनके डेट्स आप देख सकते हैं नीचे नोट्स पे आपको दिया गया टेंटेटिव है, दे मतलब कि आपको ये पोस्टपोन हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, तो ध्यान दें यहाँ पे आपको नीचे लिखा गया है आपको कैंडिडेट्स को SMS आ जाएगा, SMS विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर, तो आपको जो कॉल लेटर डाउनलोड करने का जो आपको डेट है जैसे कि उसमें 14/8/2020 तक था, तो इसमें आपको डेट अभी कॉल लेटर डाउनलोड करने का नहीं दिया गया है, लेकिन आपको टेंटेटिव डेट बता दिया गया है कि 1/9/2020 को आपको साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू होगा। तो ध्यान दें अगर आपको 1/9/2020 को इंटरव्यू है तो आपको डेट्स जो है वो अभी ही आपको मोबाइल में आ जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, अगर ये डेट्स आपको कंफर्म हो गए तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को रेगुलर चेक करते रहे सुबह शाम जब भी, क्योंकि आपको ध्यान दें कि आपको जाना होगा हैदराबाद तेलंगाना, जो कि अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको आने जाने में भी आपको अपने आपको बहुत सारे बंदोबस्त करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे रेगुलरली वेबसाइट विजिट करते रहो और अपने मोबाइल जो कि आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर SMS उसी पे जाएगा, तो उसको आपको पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दें। तो टेंटेटिव डेट आप देख सकते हैं 1/9/2020 से साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल के लिए जिनका आपको सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए वो आपको यहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट हैं, मैं अब इसी अनुसार सारे के दिखा देता हूँ। देन आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी ड्रिलिंग, इसका आपको वेन्यू देख सकते हैं सेम है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, यानी कि MD हैदराबाद तेलंगाना, आप वेन्यू ध्यान दीजिएगा, वेन्यू आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू इसका भी आप देख सकते हैं 1/9/2020 है, यहाँ पे आपको टोटल देख सकते हैं कितने स्टूडेंट 17 स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ, टोटल आप नाम भी पढ़ सकते हैं, PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। देन आपको टेंटेटिव डेट्स है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नोट में आपको टेंटेटिव है, आपको SMS सेंड किया जाएगा, तो जितने भी अब मैं बताऊँगा वो सारे टेंटेटिव है, स्टार्टिंग के दो थे वो फिक्स थे जो कि आपको 1/24 को जो कि आज ही हो चुका है और 1/27 को होने वाला है, और ये सारे जो डेट्स है आपको 1/9/2020 को जो है ये टेंटेटिव है, इसके लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप नीचे मैं आपको दिखाता हूँ और भी लिस्ट है यहाँ पे जिनके आपको 2/9/2020 को भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 34 स्टूडेंट है, और भी नीचे पे यहाँ पे आपको देख सकते हैं 3/9/2020 को यहाँ पे है जिनका आपको यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे नीचे जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको टोटल 3 पेज है, तो टेंटेटिव डेट्स आप देख सकते हैं इसका आपको, तो इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ जितने भी आपके डेट्स है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेट दे दिए गए इंटरव्यू के लिए ये डेट तो आपको दे दिए गए, ये चेंज भी हो सके तो वेबसाइट और SMS अपने मोबाइल को उसको आपको देखना ही देखना है, क्योंकि आपको SMS आएगा तभी आप डाउनलोड कर पाइएगा वहाँ से वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड, तो आपको दोनों ही चेक करना ही करना है। देन ये देख सकते हैं आप साइंटिफिक असिस्टेंट बी सर्वे पोस्ट के लिए आपको डेट ऑफ इंटरव्यू 3/9/2020 है, आपको वेन्यू सेम है हैदराबाद तेलंगाना AMD, देख सकते हैं आप नीचे मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट टोटल आपको यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 11 स्टूडेंट यहाँ पे, डेट यहाँ पे टेंटेटिव है, यानी कि सेम केस इसके साथ भी 3/9/2020 को इंटरव्यू अगर हुआ तो आपको मोबाइल पे SMS आ जाएगा, जहाँ से आप फिर वेबसाइट पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, विदाउट एडमिट कार्ड आपको इंटरव्यू पे बैठने नहीं दिया जाएगा, तो आपको मोबाइल चेक करते रहना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए और वेबसाइट भी रेगुलर विजिट करना। देन मैं आपको नेक्स्ट भी दिखा देता हूँ,
देख सकते हैं आप यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट भी फिजिक्स पोस्ट के लिए आपको डेट ऑफ इंटरव्यू 1/9/2020 है, यानी कि फिजिक्स के लिए भी 1/9/2020 है। टोटल आप स्टूडेंट देख सकते हैं, वेन्यू आपका वही है AMD हैदराबाद तेलंगाना। वेन्यू आप चेक कर लीजिएगा एड्रेस हिसाब से और आप इंटरव्यू की डेट देख लीजिए 1/9। टोटल यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स है, टेंटेटिव डेट्स, यानी कि आपको जो भी यहाँ पे आपको नीचे नोट में लिखा गया वो पढ़ लीजिएगा आराम से। देन आपको यहाँ पे टोटल अपने देख सकते हैं। देन अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन पोस्ट की, यानी कि टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल पोस्ट की। तो देख सकते हैं आप, इसका भी आपको दे दिएगा वेन्यू AMD हैदराबाद तेलंगाना और आपको डेट ऑफ स्किल टेस्ट, यानी कि इसका स्किल टेस्ट आपको होगा। तो स्किल टेस्ट आपको 7/9/2020 को दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए क्वालिफाई किए हैं उनका आपको देख सकते हैं यहाँ पे नाम के साथ सारा डिटेल दे दिया गया है। तो डेट देख सकते हैं आप यहाँ पे टेंटेटिव, आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ डेट द लिंक फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर फॉर स्किल टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड इन द इन दिस वेबसाइट एंड SMS विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर। तो आप देख सकते हैं जो भी नोट में लिखा गया आप ध्यान दें, वो आप चेक कर ले, क्योंकि हर एक का अलग अलग पोस्ट है और नोट में हर एक के लिए कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा डेट और अपना अपना जो भी आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, मैं सबको एक ही में कवर कर दे रहा हूँ, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा अपना PDF जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए और उसके नीचे आपको क्या नोट में लिखा गया, क्या डेट्स हैं और किस जगह वेन्यू जाना है, ये सारे आप देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट बात कर ले टेक्नीशियन बी ड्रिलिंग डीजल और ऑटो मैकेनिकल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेन्यू आपको यहाँ पे फिर से वही हैदराबाद तेलंगाना AMD और आपको डेट ऑफ स्किल टेस्ट आपको 9/9/2020, ध्यान दे 9/9/2020 आपको स्किल टेस्ट की डेट है। देख सकते हैं आप टोटल स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9/9 यहाँ पे टोटल जो 19 स्टूडेंट है इनके लिए आपको 9 तारीख है। देन आप देख सकते हैं 19 के बाद जो नीचे है इन यहाँ से आपको स्टार्ट होता है, जो 20 से सीरियल नंबर स्टार्ट होता है उनके लिए आपको 10/9/2020 है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा अच्छे से। देन आप मैं आपको दिखाता हूँ नीचे भी और भी टोटल 3 पेजेस है PDF के। तो आपको देख सकते हैं 39 से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है उनका आपको 11/9/2020 को है। तो ध्यान दें यहाँ पे सारा कुछ आपको लिखा गया है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको मोबाइल में SMS आएगा, वहाँ से आपको जाके स्किल टेस्ट के लिए आपको अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना है वेबसाइट पे जाके। तो मोबाइल में अगर ये डेट्स फिक्स रहे तो आपको मोबाइल में आ जाएगा और अगर डेट फिक्स नहीं रहे तो आपको वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा। देन मैं आपको नेक्स्ट भी दिखा देता हूँ। देन ये पोस्ट आपको ड्राइवरी ऑर्डिनरी ग्रेड, जिसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए क्वालिफाई भी किए हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सबके लिए आपको यहाँ पे सेंटर सेम नहीं है, सेंटर आप देख सकते हैं ध्यान दें यहाँ पे सेंटर आपको डिफरेंट डिफरेंट है। जयपुर यानी कि पहला जो सेंटर वो जयपुर है और उसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट जो 21/9/2020 को है। तो अपना अपना देख लीजिएगा कैंडिडेट का जिसका नाम है, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ पे टोटल नीचे जा रहा है, टेंटेटिव भी देख सकते हैं एड्रेस वेन्यू ये सारा कुछ आपको नोट में दे दिया गया, जो आप चेक कर लीजिएगा टेंटेटिव डेट्स है और आपको इसके लिए भी डाउनलोड करना हो कॉल लेटर तो आप ध्यान दीजिएगा। और आपको जिस जगह सेंटर बुलाया गया जिसका नाम है उसको वहीं पर होगा ड्राइविंग टेस्ट। तो ध्यान दे जयपुर में जिनका जिनका नाम है देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे टोटल ये 45 पेज का PDF है, PDF बहुत लंबा है। तो टोटल 4 जगह पे है आपको मैं दिखाता हूँ, जयपुर है, देन आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जूम आउट करके कि यहाँ पे आपको टोटल 4 है, जयपुर है, नागपुर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे जयपुर आपको जो दिया गया सेंटर, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो 21/9/2020 दिया गया है तो स्टार्टिंग डेट 21/9/2020 नहीं है, जिनका नाम आपको इस लिस्ट में है उनका 21/9/2020 है। देन आप नीचे जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो ये ध्यान दें आप कंफ्यूज मत होइएगा, देख सकते हैं आप जयपुर ये जो 31 से सीरियल नंबर स्टार्ट है उनका 22/9/2020 है। देन वैसे ही आप यहाँ पे जाइएगा तो स्टार्टिंग आपको देखिए यहाँ पे 61 से 23/9/2020 है। तो ये बहुत ही टाइम से चल रहा है, देख सकते हैं आप 24/9/2020, देन आप देख सकते हैं 25/9/2020। तो ऐसे करके आप जाएंगे नीचे, जैसे कि आपका रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 भी है, 29 तारीख को भी है, तो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे 30 को भी है, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 को भी है। तो 21 से स्टार्ट है, देन आपको आगे तक जा रहा है वैसे ही करके, जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे ले जाऊँगा आपको तो यहाँ पे आपको नागपुर सेंटर जिनका है उनका भी आएगा आपको। तो जिनका जिनका जहाँ जहाँ दिया गया देख सकते हैं आप, यहाँ से नागपुर सेंटर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, टोटल यहाँ पे 456 स्टूडेंट है जयपुर में। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं नागपुर के लिए 1 से स्टार्ट हुआ और 19/10/2020 से है। देन देख सकते हैं आप इसको जैसे मैं स्क्रॉल नीचे करता हूँ टोटल यहाँ पे 45 पेजेस है, देख सकते हैं आप 26/10 भी है। देन यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो डेट्स है वो आपको वेरी करेंगे हर एक स्टूडेंट का। तो ध्यान दें आप ये ना देखें कि किसका कब है, अपना देखें। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे नागपुर है 2, फिर आपको मैं और भी दिखा देता हूँ
आपको टेस्ट सेंटर जैसे ही चेंज होता है मैं आपको चारों सेंटर के दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ जमशेदपुर यानी कि टोटल जो नागपुर में आपको यहाँ पे 373 स्टूडेंट्स है, देन देख सकते हैं आप जमशेदपुर। जमशेदपुर के लिए आपको 16/11/2020 को दिया गया है। ये सारे डेट्स टेंटेटिव है, कन्फर्मेशन आपको मोबाइल पे SMS आएगा और जब आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तभी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो जैसे देख सकते हैं आप जमशेदपुर में 1 से स्टार्ट हो रहा सीरियल नंबर, आप देख सकते हैं 16 तारीख से, फिर 17, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे जमशेदपुर में टोटल कितने 51 है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे हैदराबाद, हैदराबाद के लिए आपको 23/11/2020 से स्टार्ट हो रहा। टोटल स्टूडेंट मैं आपको दिखाता हूँ हैदराबाद के लिए, हैदराबाद में बहुत सारे स्टूडेंट है, देख सकते हैं आप 25/11/2020 भी है, क्योंकि PDF अब मैं डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ आपको, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल आपको 14/12/2020 तक चलेगा ये ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे वैकेंसीज भी थी, तो देख सकते हैं आप नीचे। और जो आप नोट पे लिखा गया है अपना ध्यान दे और उसी अनुसार अपना करके जाए। देन लास्टली एक और पोस्ट है जिसका नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। जिन्होंने स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया उसका आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट यानी कि जो भी आपको टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपको 5/9/2020, ध्यान दे डेट 5/9/2020 को है, वेन्यू आपको AMD हैदराबाद तेलंगाना ही रहने वाला है। तो आप देख लीजिए जिन्होंने आपको क्वालिफाई किया और जिनका भी आपको एग्ज़ाम होगा, टोटल यहाँ पे 12 पेजेस है, तो इसमें भी आपके पोस्ट ज़्यादा थे, देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे आपको नोट में दिया गया डेट आपको टेंटेटिव है, आपको आपके मोबाइल में भी यहाँ पे SMS सेंड किया जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं फाइनल डेट के, अगर ये डेट्स वही रहे तो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5/9/2020 को जिनका है, देन आपको यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, टोटल 12 पेजेस है, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरे के पूरे लिस्ट यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे 5/9/2020 को यहाँ तक था आपको, यानी कि टोटल 120 स्टूडेंट का 5/9/2020 को है, ध्यान दे इस बात पे। और आपको जो 121 से स्टार्ट है उनका 6/9/2020 को है, तो इस बात पे ध्यान दे, आपको ध्यान देना ही होगा क्योंकि आपको उसी अनुसार आपको अलग अलग दिन पर अलग अलग लोगों को लिया जाएगा, सबका सेम डेट पर नहीं है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और स्टूडेंट भी ज़्यादा है। देन आप मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, तो नीचे देख सकते हैं आप टोटल यहाँ पे आपको जितने भी स्टूडेंट थे उनके लिस्ट आपको 244 स्टूडेंट है, सारे के सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक डायरेक्ट लिंक वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप अपने रिजल्ट और इंटरव्यू के डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख के जाए नीचे जितने भी डिटेल्स आपको दिए गए नोट पे उसका ध्यान दे और अपना डेट्स का ध्यान दे। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वेबसाइट पे रेगुलर चेक करते रहे और मोबाइल नंबर पर भी रेगुलर ध्यान देते रहे, सुबह शाम जो भी चेक करते रहे, क्योंकि आपको जब भी आपको होगा ये तुरंत ही हो जाने वाले हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपका मिस हो गया तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ध्यान देते रहे, सुबह शाम चेक करें SMS, साथ ही साथ आपको वेबसाइट पर भी रेगुलरली विजिट करते रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपके जो टेंटेटिव डेट्स है वो सही में आपको उसी दिन होने वाले हैं या उसमें कुछ चेंजेस हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो वेबसाइट पर ज़रूर ध्यान दें क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा। तो अवेयर रहे और इंटरव्यू दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।